After the recent political developments in Punjab, eyes are on in Rajasthan. We have Cabinet Minister Pratap Singh Khachariyawas with us right now. Pratap ji, जिस तरह से सारी राजनीतिक developments रही हैं पंजाब की, वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, क्या आपको लगता है कि वैसी परिस्थितियां राजस्थान में हैं या फिर राजस्थान में काफी अलग माहौल है? ये आप इस बात को मानकर चलिए, राजस्थान एक वेलफेयर स्टेट है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार का बड़ा विजन है, जन कल्याण और विकास हमारा आधार है। राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट में हम देश में नंबर वन पर रहे। अभी जिला परिषदों के चुनाव हम जीते, पंचायत चुनाव हम जीते, बाई इलेक्शन हम जीते, ये तय बात है। राजस्थान में जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तब लोग उम्मीद करते हैं कि अब जन कल्याण और विकास की बात होगी, और बीजेपी का जो एजेंडा है वो इस बात को आप समझते हैं। बीजेपी का एक ही मकसद है और वो मकसद है बीजेपी का कि लोगों में आपस में वॉर चलता रहे, लोग लड़ते रहे, धर्म के नाम पर झगड़े फसाद दंगे होते रहे। जब दंगे होंगे, झगड़े फसाद होंगे, तो फिर विकास और जन कल्याण रुक जाए। प्रताप जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि पार्टी आला कमान ने, मतलब हाई कमांड ने ये मूड बना लिया है कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री 75 के अबव है वहाँ पे उनको रिप्लेस किया जा सकता है, क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, उन्होंने क्या मूड बनाया वो अपनी जगह है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी 75 के नहीं हुए, अभी 70 के हुए हैं इसलिए। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बहुत पॉपुलर हैं और देश जानता है, और जब भी संकट आया राजस्थान में अशोक गहलोत ट्रबल शूटर के रूप में उभर कर सामने आए। देश की बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उनकी आंख की किरकिरी बने हुए अशोक गहलोत, इसलिए बार बार वो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को टारगेट करते हैं। क्या आप कहेंगे कि राजस्थान में पंजाब से हालात काफी अलग हैं, वैसा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं देखा जाएगा? कैसी बात का, आप खुद जानते हैं कि बीजेपी ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया, इसके बावजूद हम उभर कर आए और उसके बाद हमारे सारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। इस वक्त राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ी है और मैं आज गारंटी से कह रहा हूँ, हम लोग वापस सरकार बनाकर यहाँ पर आएंगे 2.5 वर्ष बाद, जब चुनाव होंगे। पहली स्टेट गवर्नमेंट है देश की, आप खुद इस बात को जानते हैं। हमने अभी 2.5 वर्ष में हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी किया और कहा अशोक गहलोत जी लीड करेंगे सर अगले चुनाव में भी। आप ये बात मानकर चलिए, इसमें तो कोई डिस्कस का पॉइंट ही नहीं है और ना कोई डिस्कस हो रहा है। जिस बात पर कोई डिस्कस ही नहीं है तो उस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई इंटरनल वॉर नहीं है, कोई झंझट नहीं है, झगड़ा नहीं है, इसलिए पंजाब से राजस्थान को कंपेयर करना गलत है। और मैं इतना कह सकता हूँ, पंजाब में जो अब फैसला हमारे नेतृत्व ने किया वो कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व की इच्छा के अनुसार ही, उनकी जो सोच है उसके अनुसार ही राजस्थान में सरकार काम कर रही है और उसमें हम सफल है, नेतृत्व का हमारे ऊपर आशीर्वाद। प्रताप जी, ये सारे सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के जो OSD हैं लोकेश शर्मा, उनको इस्तीफा देना पड़ गया है। जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया शनिवार को, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ गया और कहा जा रहा था कि उन्होंने एक तरह से राजनीतिक व्यंग या सवाल खड़े किए हैं। देखिए, OSD जो उनका सोशल मीडिया देखते थे, जो सोशल मीडिया देखता है वो व्यक्ति कई बार अपने विचार रख देता है, ज्यादा जोश में उन्होंने विचार रखे तो उसके बाद इस्तीफा भी दे दिया। तो ये विचार कोई चीफ मिनिस्टर के नहीं है, यदि कोई सोशल मीडिया देख रहा है तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ज्यादा कयास आप मत लगाइए, राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित हैं। वेल, सो क्लियरली दैट वाज द राजस्थान कैबिनेट मिनिस्टर मेंशनिंग दैट द सिचुएशन इन राजस्थान इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन पंजाब विद चेतन देवंकुर वधावन इन जयपुर।